तो ये वीडियो मैं उनके लिए बनाया हूँ जो पेट्रोल डाल के जाते हैं। मैं टॉप 3 ऐसी कारें बताऊंगा जो काफी माइलेज देती हैं कम पेट्रोल में, मतलब काफी हाई माइलेज होता है उनका, ऐसा मान सकते हैं। वो छोटी फैमिली के लिए भी काफी परफेक्ट होती हैं। इसके लिए मैं काफी डिटेल वीडियो बनाने की नहीं सोच रहा था क्योंकि इस पे आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें सिर्फ जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या क्या कौन कौन सी गाड़ी है, उनके अंदर क्या क्या है। तो वैसे सबको पता तो है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, वो लोग बहुत से इसके वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा। मगर फिर भी पहली गाड़ी बारे बात कर लेते हैं। पहली गाड़ी है रिनॉल्ट की क्विड है, जो कि BS6 वेरियंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये रिनॉल्ट क्विड BS6 जो है ये एंट्री लेवल हैचबैक है। इसमें आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 68 HP का पावर देता है और 91 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है इस कार की जो माइलेज है वो 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज है। रिनॉल्ट क्विड की जो स्टार्टिंग एक्सोडिंग प्राइस है वो है 3,12,000 रुपये दिल्ली के अंदर, और ये ऊपर नीचे हो सकती है, मार्केट फ्लक्चुएट होता है डेली, सबको पता है। तो मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है मारुति सुजुकी की ऑल्टो। मारुति सुजुकी ऑल्टो सबको पता है भारत में कितनी ज्यादा बिकने वाली कार है, और इसे टॉप सेलिंग कार में भी मैंने शामिल किया अपनी पुरानी वीडियोज में। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। मारुति सुजुकी ऑल्टो के अंदर आपको 796 cc का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 6,000 RPM पे 47 HP का पावर देता है और 3,500 RPM पे 69 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार की जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 2,95,000 के आसपास कहीं है, वो भी एक्सशोरूम। तो मेरी लिस्ट पे तीसरे नंबर पे है मारुति की एक्सप्रेसो। मारुति एक्सप्रेसो को हार्टेक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जैसे कि मारुति कंपनी ने बताया है। इसकी वजह से इस कार की जो वेट है, मतलब ऑल ओवर वेट है, ग्रॉस वेट है, काफी कम हो गया। अगर इसके इंजन और पावर की बात करूं तो मैं कंपनी ने इसमें 928 cc का इंजन लगाया है जो कि K10 भी है। मारुति एक्सप्रेसो अपने इस इंजन के साथ 67 BHP का पावर देता है और 90 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं आपको, मतलब इन दोनों का ऑप्शन मिलेगा। अगर माइलेज की बात करूँ तो इस कार की जो माइलेज है वो 21.4 किलोमीटर के आसपास की माइलेज है, वो भी पर लीटर। इस कार की जो शोरूम प्राइस है वो 3,70,000 रुपये। तो मेरी लिस्ट पे अगली गाड़ी है डैटसन की रेडिको। डैटसन रेडिको में 799 cc का इंजन मिलता है आपको जो कि पेट्रोल इंजन होता है, और ये इंजन 5,600 RPM पे 54 HP का पावर देता है और 4,250 RPM में 72 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अगर मैं इसकी बात करूँ इसके दूसरे इंजन की, मतलब इसके अंदर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं इंजन के, तो दूसरे इंजन ऑप्शन की बात कर लेते हैं जो कि 1 लीटर का है। वो 5,500 RPM पे 67 HP का पावर देता है और 4,250 RPM पे 91 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंडिया में जो डैटसन रेडिको की जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2,93,000 के आसपास कहीं, बाकी ऑन रोड आपको ये ज्यादा महंगी पड़ेगी, एक्चुअल प्राइस बता रहा हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो अभी भी हाई माइलेज देंगी। अगर आप लोग गाड़ी खरीदना चाहते हो, आपकी छोटी फैमिली है, तो आप लोग इनमें से कोई भी गाड़ी ले सकते हो, वही आपको अच्छा खासा माइलेज दे देंगी इस बढ़ते हुए पेट्रोल के प्राइस के कारण। तो आपको पता ही है आप क्या करना है इस वीडियो में। तो मेरी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, तो आपको पता ही क्या करना है इस वीडियो के एंड के बाद। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलता है अगली वीडियो में। अगली वीडियो कुछ अलग तरह से बनाऊंगा मैं, ये अलग थी वो अलग होगी। तो अपना ख्याल रखें और घर पे रहें और ज़्यादा बाहर ना निकले जब तक काम ना हो।